मुझे जानते नहीं हो कि मैं वो था वरन सिंह जी, तो शरारत में करता था, वो डांटते थे जी, तो मैं उन्हें अपनी जो है चौधरी वाली हेकड़ी दिखाता था, तो उन्हें लगा कि कोई भूत बला है बच्चे पे जो है। ढाई वर्ष की उम्र में जब मैंने उन्हें पहचाना तो मैं आवाज दी कि घसीटा मसीटा कहाँ जा रहे हो, तो बाबा जी कहने लगे यार ये क्या हो गया इस लड़के को। तो जब मैं गांव में पहुंचा तो हमारी पत्नी ने कहा देखते ही कि जाओ कहीं कट के मर जाओ या डूब के मर जाओ, जो तुमने अब तक किया मतलब किया ही, मेरी बहन को लूट लिया। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, ओम यम ब्रह्मा वरुण इंद्र रुद्र मरुतः स्तुनवंति दिव्यस्तवै। दिव्य स्त्रोतों से ब्रह्मा वरुण इंद्र कुबेर यम और रुद्र यानी शिव जिस परमात्मा की स्तुति करते रहते हैं, उस पार ब्रह्म परमेश्वर को नमस्कार करते हुए हम अपनी बात प्रारंभ करते हैं। आज हम लोग यहाँ उत्तराखंड में हैं, देहरादून में, और जैसा कि आप जानते हैं कई पुनर्जन्म की जो घटनाएं हैं वो हमने आपके सामने रखी हैं, और उनको रखने का ये उद्देश्य होता है कि जिससे इस संसार में रहने वाले हम लोग समझ सकें कि बार बार जन्म होता है, बार बार मृत्यु होती है, इसलिए हम अपने इस जन्म में शुभ कर्म करें, पुण्य कर्म करें। तो आज हमारे साथ हैं निपेंद्र त्यागी जी और उनसे हम बात करेंगे। तो पहले तो इस जन्म के बारे में हम बात करते हैं, आपका जो ये जन्म है वो किस परिवार में और कहाँ पे हुआ है? जी बिजनौर डिस्ट्रिक्ट तहसील धामपुर गांव महमूदपुर, ये सिहारा के निकट गांव है, मुरादाबाद रोड जो जाती है इस पे गांव पड़ता है। त्यागी परिवार जी, त्यागी परिवार, त्यागी परिवार है। और पहला जन्म आपका जाट परिवार में था। इसी रोड पे जो मुरादाबाद जाएंगे कांट से आगे छजलेट, छजलेट से निकलते ही एक गांव पचोकरा पड़ता है, पचोकरा जी, वहां पे आपका पिछला जन्म। उस जन्म में आपका क्या नाम था? उस जन्म में मेरा नाम भौरन सिंह था। भौरन सिंह जी, उस समय कितने बच्चे थे आपके? उस समय तीन बच्चे थे जी, एक लड़का दो लड़की जी। ये घटना पिछले जन्म की आपको कब और कैसे याद आनी प्रारंभ हुई? मैं ढाई वर्ष का था तब मुझे जो है अकस्मात ही मैं अपने बाबा जी से जो है बात करते थे, तो मैं उनसे बातें करता था कि मैं जो हूँ, तुम मुझे जानते नहीं हो कि मैं वो था वरन सिंह और आप, तो इस तरह की जो है कुछ बातें होती थी जी, तो शरारत में करता था, वो डांटते थे जी, तो मैं उन्हें अपनी जो है चौधरी वाली हेकड़ी दिखाता था, तो उन्हें लगा कि कोई भूत बला है बच्चे पे जो है, इस जो है कुछ संकट में है, तो कुछ इलाज वगैरह कराया भगत, तो वो इस जादू टोना लोगों के चक्कर में पड़ते रहे जी। तो एक सिहारा के पास कुरी बाजार लगता है पशुओं का जी जी, तो वहाँ पचोकरा के तेली मसीता घसीटा दोनों भाई जी वहां से व्यापार करने के लिए वहां आते थे जी, तो वो हमारे घर के आगे से निकलते थे, वो बड़ी बैठक थी जी जी, तो मैं वहां खेल रहा था, जब वो निकल के गए तो मैंने उन्हें दोनों को पहचान लिया। ढाई वर्ष की उम्र में जब मैंने उन्हें पहचाना तो मैं आवाज दी कि घसीटा मसीता कहाँ जा रहे हो, तो बाबा जी कहने लगे यार ये क्या हो गया इस लड़के को, तो उन्हें बुलाया कि भाई तुम ही आओ, कि तुम्हारा नाम क्या है, कि ये नाम है। तो भैंसे बेचते थे तो उन्हें बैठा लिया, उनसे बातचीत हुई जी, कि लड़का यार रोज इस तरह की बातें करता है जैसे कि मैं ये हूँ वो हूँ, तो उन्होंने कहा कि भौरन सिंह थे तुम्हारे यहाँ कोई, कि जी भौरन सिंह थे हमारे गाँव में और उनके इतने बच्चे हैं भौरन सिंह के और हमारे पड़ोसी हैं जी, तो उन्होंने गाँव में जाके बताई पचोकरा में बात जी, तो पचोकरा में बताते ही वो बात वहां से जो है अनेकों लोग वहां से यहाँ आ गए मिलने, आपके गाँव में आए। हाँ, पचोकरा से महमूदपुर गांव आए, महमूदपुर आए, बिजनौर का जो गांव था जी, जी। वहां मिलना है, मिलने के बाद जो है आपस में रिलेशन सा बना, और आपने उन पिछले लोगों को पहचान लिया, पत्नी जो थी वो बन के आई साली, अच्छा भाई जो है कुछ और बन के माले में ये हूँ मैं, जिससे पहचान पहचान ना हो, अच्छा अच्छा, तो सबको पहचान लिया। अच्छा, उसके बाद वो गाँव ले गए, वो धनाडा परिवार था जो पचोकरे वाला था। अच्छा, धनाडा क्या, धनाडा संपन्न ज्यादा, धनाढ्य, हाँ धनवान, हाँ, तो
धनवान। हाँ तो वो ये भी चाहते थे कि इस बच्चे को हम रख लें। अच्छा अच्छा। और ये परिवार चाहता था कि भाई हमारे एक लड़का के हम रख लें। तो वहां जब पहुंचे तो उन्होंने जो है तरह तरह की पहचान करनी शुरू कर दी जी, कि बताओ किसे किसे पहचानते हो। तो गांव के बहुत लोगों को पहचाना, तो छोटी बिरादरी के लोग जो आते थे तो मैं उनका नाम लेके बोलता था, तो कोई दादा कहता था, कोई चाचा कहता था जी जी। उसके बाद कुछ संपत्ति ऐसी थी जो जमीन में गड़ी हुई थी, मेरे हाथ की थी। अच्छा। जब वो निकली तो उन्हें पूरा विश्वास हो गया होगा। तो 20-22 लाख रुपए की संपत्ति थी, तो और मजबूत विश्वास हुआ। हाँ जी, हाँ। फिर उसके बाद एक घोड़ा था सुल्तान जी, तो मेरे मरने के बाद वो घोड़ा किसी को सवार नहीं देता था। अच्छा। अब जाट बुद्धि उन लोगों की, मैं छोटा था, मैं भी सोचता हूँ ऐसा क्यों हुआ होगा। वो लगे अगर सुल्तान ने पहचान लिया तो ये प्योर भोरन सिंह है। अच्छा। तो सुल्तान के पास ले गए, जब सुल्तान छूने में नहीं देता था और एक आदमी उसे चारा वारा डालता था और वही उसे घुमाता था, किसी को बैठाता नहीं था सुल्तान। अच्छा, अच्छा। तो सुल्तान के पास जो गए तो सुल्तान ने दोनों पैर ऊपर उठा दिए। अच्छा। पहचान गया वो। पहचान गया तो सब लोग कहने लगे कि अब कोई नहीं कह सकता कि भोरन सिंह नहीं है। उसके बाद एक बैल था जो तांगा चलता था, तांगे का हमारा रथ था, वैसे दो तांगों का बैल का। हाँ जी। तो एक बैल भी ऐसा था जो मारता था। अच्छा। तो कहले इस बैल से ही पहचान कराओ, बैल नहीं पहचान लिया। बहुत सारी बातें हुई, कुआ कहाँ है, बंदूक कहाँ है तुम्हारी, रेडियो कहाँ है, सब चीजों को उन्होंने कहते गए, वो पहचानता चला गया। जी। अब वो सारा संबंध बना हुआ है, रिश्तेदारी बनी हुई है, आते जाते हैं, बेटियां हैं, दो बेटियां आती हैं। अच्छा अच्छा। और एक बेटा है, दामाद है और देवती भी है, परिवार बढ़ता चला जा रहा है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और हम जानना चाहेंगे आपकी मृत्यु किस तरह से हुई थी? मृत्यु तो मेरी बहुत रहस्यपूर्ण रही जी। एक बिलारी के पास गांव है, वो उदयपुर, उदयपुर है। हाँ, बहुत देश वाले जाटों गांव है। अच्छा जी। तो मृत्यु क्या, मैं इसे आपको पीछे ले चलता हूँ जी। मैं मिलिट्री में था जी। मैं मिलिट्री में था और मिलिट्री में हम तीन लोग लेट उठने की वजह से पनिशमेंट हुआ। उस पनिशमेंट में जो है हमें बजरी पीछे लाद करके कोनियों के बल चलाया गया। अच्छा। हसपुष्ट थे, हमने दबंगई में जो है कमांडेंट को पीटा और वहां से हम जो बंगलोर से भाग गए, तीन आदमी बंगलोर में पोस्टेड। वहां से भागने के बाद हमें जो है यहाँ अपराधी घोषित किया गया और हमारे घर पीएससी आ गई, तो हम एचएस हो गए। एचएस मतलब एक गुंडा पार्टी हो गई पूरी। भगोड़ा नहीं, गुंडा पार्टी पूरी टीम हो गई, जैसे सुल्ताना डाकू ये इस तरह की। अच्छा। भोरन सिंह का मुरादाबाद डिस्ट्रिक्ट में नाम होता था। अच्छा अच्छा। तो सुल्ताना तो डाकू था न, सुल्ताना तो कभी कोई सुल्ताना पहले थे, पहले हमारा गिरोह था भोरन सिंह का, ग्रुप था इधर इकबालपुर में, हम यहाँ काम करते थे, उधर मुरादाबाद में करते थे। अच्छा। लेकिन काम अपनी जीविका के लिए करते थे, या किसी गरीब की लड़कियां हो उनकी शादी करने के लिए करते थे, जो घर से सब संपन्न थे जी। उसके बाद जो है वो सारी टीम हमारी जो है यार दोस्त सब, हम जब पुलिस ने इस तरह कर दिया, नो निहाल सिंह वहां के हमारे पास के जो ये तुम्हारे चुन्नू है इनके पिताजी जी, उन्होंने हमारे असले असले सब सामान जमा करा दिया, सरकार को दिला दिया। अच्छा। उसके बाद जो है फिर भी जो है सरकार की हमारी तरफ निगाह रहती थी कि ये सरेंडर कर दिया था। हाँ, सब सामान देने के बाद भी। अच्छा। फिर भी सरकार की निगाह रहती थी कि इनकी जो है शाम को हाजिरी ली जाए। अच्छा। तो फिर घर से जहां था हम भागे हुए ऐसे घूमते रहते थे, तो साली के हमारी एक बच्चे का जन्मदिन था, तो सारी टीम हमारी 10-12 दोस्त हम घोड़ों से अपने तांगे उंगे से पहुंच गए। अच्छा। तो उन दावत में रुके हुए थे। कौन सा गाँव था ये? गाँव बिलारी से पहले ही लगता है, तखतपुर है शायद। तखतपुर है, रेलवे लाइन पार करते ही। अच्छा, अच्छा। पूरी दिमाग मेरा फोकस अब भी वहीं जा रहा है गाँव जी, जी। मैं वहीं देख रहा हूँ जी, क्यों मैं इस जन्म में भी एक बार चला गया हूँ वहाँ। अच्छा, अच्छा। तो उन लोगों ने पहचाना? पहचाने बिल्कुल, एक तरह से वो सब रिश्तेदार हैं। हाँ। मुझे ये जो मैं इस जन्म में जी रहा हूँ, लेकिन मैं आत्मा से इतना खुश हूँ कि पिछले जन्म में जी रहा हूँ मैं, मेरी बेटियां मेरा दामाद यहाँ आते हैं अभी। जन्म आपने देख लिया। हाँ, वो जन्म आप। और मैं पिछले जन्म में सुखी जी रहा हूँ, शरीर तो इस जन्म का है लेकिन पिछले जन्म के जो मेरे संबंधी हैं उनमें मैं सुखी जी रहा हूँ, आनंद लेता हूँ, पहले से बेहतर आप महसूस कर जी 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 जी। तो वो
सालिक रुके हुए थे जी। अब सात वाली सारी जो टीम थी उन्होंने गांव लूट लिया। अच्छा, पूरा गांव लूट लिया। गांव लूटने के बाद वहां से चले आए। ये गलत किया उन्होंने। अब गलत किया, मैं शराब भी नहीं पीता था, लेकिन उस दिन मैंने ही शराब पी थी। तो जब मैं गांव में पहुंचा तो हमारी पत्नी ने कहा देखते ही कि जाओ कहीं कट के मर जाओ या डूब के मर जाओ, जो तुमने अब तक किया वो तो किया ही, मेरी बहन को लूट लिया। उनको दुख हुआ। तो मुझे ये जब पता चला, जब उस पत्नी ने कहा कि बहन को लूट लिया, मैं सोचा कि गांव लूट लिया, उन्होंने उसे साली को भी लूट लिया था। अच्छा, वो घर भी लूट लिया था, वो छोड़ा ही नहीं था। पूरी टीम थी भी, 30-40 आदमियों का ग्रुप था। उसके बाद इतना मैं अपने आप में टूट गया था। वहां के एक रेलवे स्टेशन पड़ता है पचोकरा के पास ही, छजपुरा, अच्छा, मतलबपुर से जुड़ा हुआ जी जी। तो छजपुरा के सामने मैंने रेल से एक्सीडेंट कर लिया अपना, सुसाइड। उसके बाद मेरी मृत्यु हो गई। उसके कुछ दिनों बाद मैं बंदर के रूप में रहा। आपको ध्यान है इस बात का? वो ध्यान मुझे इतना है कि एक पेड़ पीपल का अभी मैं जाता हूं तो मेरा शरीर वहां खींचता है, और मैं पीपल पे चढ़ता था उतरता था, और रेल से ही फिर बाद में मेरी बंदर की मृत्यु हुई। अच्छा, जी जी। और उस पेड़ कहाँ पे है? वो पेड़ पीपल का वही, मतलब रेलवे स्टेशन से छजपुरा की तरफ चलेंगे। अच्छा। तो वही रेलवे लाइन के थोड़ा सा अटके वही है। अच्छा। क्यों, उसमें गैप भी उतना ही नजर आ रहा है मेरी पहली मृत्यु में और जन्म में, वो गैप भी उतना ही नजर आ रहा है। ये जो इन्होंने जो अभी ये मेरे परिवार के और वो परिवार के जो विशेषज्ञ रहे हैं, इन लोगों ने जो आकलन किया है कि पहले जब मरा था तो ये बीत दो में 2 साल यहाँ गायब हो गए इसके, तो फिर ये यहाँ जन्म गया। ये 2 साल कहाँ गए इसके, जब ये उस डेट में मरा था तो 2 साल कहाँ रहा? और आपको याद भी है कि वो ना? अब तो मैं ज्यादातर ये सब में कभी कभी मुझे ऐसे लगता है कि सच आवाज होता है, नहीं तो एक कहानी के रूप में मेरे पास ही सब कुछ रह गया है। और एक और कई चीजें जो मैं जोड़ता हूँ अपने आप से, मेरी लड़की का जो ब्लड ग्रुप है वो मेरा भी ब्लड ग्रुप है। अच्छा। जो पिछले जन्म की है? जी 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 जी। अच्छा, अच्छा। जो लड़का है उसका, यानी जो पिछले जन्म का आपका ब्लड ग्रुप था वो मेरी बेटी का आज भी ब्लड ग्रुप वही है। अच्छा, दोनों बेटियों का वही है। हाँ। और अगर बात करें आपका चेहरा मोहरा जो, वो मैं आपको अभी दिखाऊंगा, मोबाइल में दिखाऊंगा, अभी पिछला दिखाऊंगा मैं जो है मेरे पास, मतलब वो उससे कुछ मिलता जुलता ना? अब कुछ जो मैं हेल्थी हूँ, पहले से मैं फौजी था तो थोड़ा पतला था, स्लिम थे। गांव में मैंने वहाँ अपने गांव में कुआं बनवाया, गांव से बाहर पचोकरा में जी, सड़कें बनवाई। तो आपका बेटा वहाँ पे है? एक बेटा है। हाँ, एक बेटा। वो क्या काम करता है? खेती बाड़ी करता है। मेन रोड पे लगती है उसकी जमीन है जी, जी। क्या नाम है उसका? ऋषिपाल। बड़ी ऐसी आपकी, हम तो कहेंगे करुणा से भरी एक दास्तान है। इस कहानी को थोड़ा बाबू जयसिंह ने जो है, मैं बचपन में ध्यान है मुझे अभी, एक टीवी सीरियल बनाया था उन्होंने, होनी है नोनी। अच्छा। लेकिन उसमें मेरा नाम उन्होंने कहीं कहीं जिक्र नहीं किया था, नहीं था। और वो एक सीरियल उनका था और उसमें सारी कहानी मेरी थी। अच्छा, अच्छा। किसी कारण से नहीं दिया? ना ना, वो देखो वो तो एक पॉलिटिशियन और दूसरा फिल्मी नेता है, उन्हें क्या है, उन्होंने तो कहानी का पैसा कमाना था, कहानी बना के सीरियल चलाना। इस जन्म में आप कैसा महसूस करते हैं? पहले से बेहतर महसूस? ना ना, बेहतर तो महसूस करता हूँ जी, लेकिन मैं मृत्यु लोग के जो लोग देखता हूँ और जो क्रियाकलाप है लोगों के, सच सच से दूर भाग रहे हैं। मैं कारोबार करता हूँ, सच बोल करता हूँ, कठोर हो जाता हूँ, लेकिन मैं देखता हूँ कि लोग लालच में पड़े हुए, मिथ्या में है। क्या करेंगे, मैं मृत्यु में भी जाता हूँ, पर डे सही गलत करता हूँ अपना। मैं प्रतिदिन लैट्रिन में बैठ के सही गलत करता हूँ कि मैंने कल कितना गलत किया था, आज मैं कितना सही कर रहा हूँ। रोज जाता हूँ मैं अपनी फाइल, ये मुझे पिछले जन्म की प्रेरणा है। और अब भी मैं कठोर होकर लोगों से कहता हूँ, मुझे अंदर से क्रोध भी आता है लेकिन दुख भी होता, दूसरे का दुख नहीं देख पाता मैं कि क्यों किसी पर इतना कष्ट कर रहे हो। मेरे यहाँ जो काम करता है वो मुझसे पैसे मांगने की हिम्मत नहीं करता, उसे पहले पैसा मिल जाता, ले भाई। ये आपकी ईमानदारी, ईमानदारी ने मेरी आत्मा नहीं एक्सेप्ट करती कि जिस संतान के लिए मैं इकट्ठा करके दूंगा, ये भी तो संतान है, ये भी तो हिस्सेदार है। सही बात।
क्या पता वो कल को क्या रूप होगा उसका। सही बात, वर्तमान सही है तो सब कुछ सही है, बिल्कुल, बिल्कुल। और भविष्य के विषय में तो अपने आप सोचो मत, सब सही होगा। सही बात, हमारा वर्तमान सही होना। जी जी जी। तो इतनी आपने गुरु जी, ये भी है कि जो आत्मा का बोध है, आप तो बहुत ऊपर गए हुए हैं। नहीं, मुझे तो ले गए थे। ना ना, मैंने आपके विषय में मुझे सुना है, मैं देखा है, मृत्यु के देवता यमराज ले गए थे मुझे, मैंने देखा भी। और है, मैं आत्मचिंतन में कई कई घंटे बैठा हूँ। हाँ जी, मैंने देखा है आपके विषय में, और मैं आपके आश्रम के सामने जमीन पर लेटा हूँ आधा घंटा। आप आए नहीं अंदर? अंदर नहीं, मुझे वही पनिशमेंट था। क्यों पनिशमेंट का है? पनिशमेंट ये था, जब मैं चला नेटवर्क से जी, धीरे धीरे दर्द होना शुरू हो गया। अच्छा, दर्द आपके आश्रम के सामने जाके इतनी तेज था कि मुझे आप ये समझो कि कोई ऐसी स्थिति लगी कि मैं वहां ना लेटूं। सड़क के इस तरफ मोटरसाइकिल खड़ी करी, मैं लेट गया। लेटने के बाद मैं अपने आप में कह रहा हूं कि इस बार मृत्यु भी होगी तो संत के दरबार में होगी। ये सोचते सोचते नींद सी आई और थोड़ी समय मुझे आराम होना शुरू हो गया, और वहां से मुझे रुड़की आना था। रात में 10 बजे पहुंचा, लेकिन मैं 1-1.5 घंटा वहां सोता रहा। जी जी, तो ये रात का किस्सा है? दिन का किस्सा है। दिन में 12 बजे का, गर्मियों का मौसम था। अच्छा, गर्मी का मौसम। उस दिन आपके यहाँ कोई हवा पानी पिलाते हैं, शरबत पिलाते हैं, उस दिन कोई भी नहीं था। अच्छा अच्छा, वो कोरोना की वजह से ना? अभी कोरोना की कई साल हो गए, 10-12 साल की बात है। अच्छा अच्छा, वैसे पानी पिलाते रहते थे वो, मैंने कई बार। कोरोना से बंद हो गया है? कोरोना से बंद हो गया, दोबारा फिर हम शुरू करेंगे अब उसको, सेवा शुरू करेंगे। अच्छा गुरुजी, मैं ये सोचता हूँ, या आप, मैं कहने का अधिकारी तो नहीं हूँ, लेकिन मैं कहूंगा। हाँ, आप कहिए। जो आत्मा का बोध है, क्या वही सही गलत है? देखिए, शरीर अलग है, आत्मा अलग है, मैंने आपको बताया ना। शरीर से नहीं कर रहे बात। हाँ हाँ, जो माली हमारी आत्मा सही गलत कह रही है, घोषित कर रही है हमें। हाँ हाँ, वो क्या सही है? वही सही है, बिल्कुल बिल्कुल वही सही है। बस तो मैं यही आपसे जो है, मैंने जो है यही जो है, मैंने ये सोचा था जो मेरे प्रश्न का उत्तर दे। कई लोगों से मिलता हूँ हरिद्वार में, ऋषिकेश में, कई कुछ बताते हैं, कई कुछ बताते हैं। मैंने कि वही जो है, ऐसा कुछ मिल सकता है कि कोई प्रेरणा जो है मिल जाए? 2 मिनट बैठ बैठ। तो मैंने आपको बताया, मुझको मृत्यु के देवता भगवान यम जी, जी, जी। शरीर से निकाल के ले गए थे जी, जी। तो उन्होंने दिखाया नरक, ये नरक है, ये स्वर्ग है, ये देवलोक है, और ये पैगंबर है, सबसे मिलवाया। और जिसको हम परमात्मा बोलते हैं ना, वहां भी हमको ले गए। तो वहां पे ये आवाज होती थी, एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। वहां परमात्मा की आवाज को भी हमने सुना, और उन्होंने कुछ निर्देश भी हमको दिए। और ये मेरी 19 वर्ष की अवस्था की बात है, और तब से हम ईश्वरीय कार्य में लगे हुए हैं। और आपके विषय में हमने सुना था, तो आपसे मिलने की बहुत दिली हमारी इच्छा थी, और आज परमेश्वर की कृपा से वो पूरी हुई है, और इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद तो आपका मुझ पे नहीं, इतना वो रहा कि आशीर्वाद के इतने बड़े संत, और आप हमारे आश्रम में लेटे रहे। आप सूचना भिजवा देते ना, तो हम खुद आते वहाँ पे ना आपसे मिलने। जी, मैंने जिनकी मेरी बात हुई फोन पे, मैंने उनसे कहा था कि गुरुजी कष्ट ना उठाएं, मैं जो है स्वयं आऊंगा। नहीं नहीं, कष्ट की कोई बात नहीं, असल में हमारा प्रोग्राम है 2 दिन का जी, जी। तो आपसे मिलना ही मिलना था हमें, तो इसके लिए बार बार हम आपका धन्यवाद करते हैं, और परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आगे आप बहुत तरक्की करें, और आप देव आत्मा बने, देवताओं में परमात्मा आपकी गिनती करे, ये उस प्रभु से प्रार्थना है। शुभम अस्तु, शुभम अस्तु। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। हे पार ब्रह्म परमात्मा, तू सच्चा है, तेरा नाम सच्चा है, तेरा उजाला तेरी पवित्र आत्माओं के साथ साथ चलता रहता है, इस दुनिया में भी और उस दुनिया में भी। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा।